नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मोहन राकेश जी की लिखी कहानी मलबे का मालिक। पूरे 7.5 साल के बाद लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहां की हर चीज को देख रही थी जैसे वह शहर साधारण शहर ना होकर एक खास आकर्षण का केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीजों की याद दिला रहे थे। देख देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई है। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भट्टी थी जहां अब वे पान वाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहां की एक एक ललाइन वह नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों बाद बाजारों में तुर्रेदार पगड़ियां और लाल तुर्की टोपियां दिखाई दे रही थी। लाहौर से आए हुए मुसलमानों में काफी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर छोड़कर जाना पड़ा था। 7.5 साल पहले आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती और कहीं अफसोस घिर जाता। वल्लाह, कटड़ा जैमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए? यहां हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहां एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते। वली, यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती शहर के लोग उत्साहपूर्वक उसकी ओर देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर शंकित से रास्ते हट जाते थे जबकि दूसरे आगे बढ़के उनसे बगलगीर होने लगते थे। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनारकली में अब पहले जितनी रौनक होती है या नहीं। सुना है शाह आलमी गेट का बाजार पूरा नया बना है, कृष्ण नगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहां का रिश्वत पूरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? भाई कहते हैं पाकिस्तान में अब बुरका बिल्कुल उड़ गया है, ये ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हालात जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए हुए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को खामखा खुशी का अनुभव होता था। बाजार बासा अमृतसर का एक उपेक्षित सा बाजार है जो विभाजन से पहले गरीब मुसलमानों की बस्ती थी। वहां ज्यादातर बास और शहतीरों की ही दुकानें थी जो सबकी सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बासा की आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी जिसे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया। बाजार बासा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर, किसी तरह वे आग काबू में आ तो गई पर उसमें मुसलमानों के एक एक घर के साथ हिंदुओं के भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए। अब 7.5 साल बाद 7.5 साल में उनमें से कई इमारतें तो फिर से खड़ी हो गई थी मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच में मलबे के ढेर अजीब ही वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार पासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी क्योंकि उस बाजार के ज्यादातर बाशिंदे तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे और जो बचकर चले गए थे उनमें शायद लौटकर आने की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बूढ़ा मुसलमान ही उस वीरान बाजार में आया और वहां की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया।
बाएं हाथ को जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके कदम अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहां बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे उसे निश्चय ही नहीं हुआ कि वह वही गली है या नहीं जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी काड़ा खेल रहे थे और कुछ अंतर पर दो स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थी। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, बुड्ढे मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा और छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा। उसके घुटने पजामे से बाहर को निकल रहे थे और घुटनों के थोड़ा ऊपर ही उसकी शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली में एक बच्चा रोता हुआ बाहर को आ रहा था। उसने उसे पुचकार कर कहा, इधर आ बेटे, आ इधर, देख तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वे अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा क्षण भर के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसने होठ बिसूर लिए और रोने लगा। एक 16-17 बरस की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे की बाह पकड़कर उसे घसीटती हुई गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ साथ अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे बाहों में उठाकर अपने साथ चिपका लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर मेरा वीर, रोएगा तो तुझे वे मुसलमान पकड़ कर ले जाएगा, मैं वारी जाऊं, चुप कर। बुड्ढे मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वह वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर उसने वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था और घुटने जरा जरा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की बंद दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी फिर से सिर पर लगा ली। गली के सामने जहां पहली ऊंची ऊंची शैतीरियां रखी रहती थी, वहां अब एक तिमंजला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर दो मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ होकर बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वे कई पल धूप में उड़ते हुए जर्रों को देखता रहा, फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता हुआ गली की ओर आया और बुड्ढे को वहां खड़ा देखकर उसने रुककर पूछा, कहिए मियाँ जी, यहां किस तरह खड़े हैं? बुड्ढे मुसलमान की छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी हुई और उसने होठों पर जबान फेरकर नवयुवक को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटे, तेरा नाम मनोरी तो नहीं है? नवयुवक ने चाबियों का गुच्छा हिलाना बंद करके मुट्ठी में ले लिया और आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता है? 7.5 साल पहले तू बेटे इतना सा था, यह कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? मनोरी ने पूछा। हाँ, मगर पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिराग दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा। हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसकी बीवी बच्चे तो नहीं मिल सकते, मगर मैंने कहा कि एक बार मकान की सूरत ही देख लो। और उसने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरते हुए आंसुओं को बहने से रोक लिया। आप तो शायद काफी पहले ही यहाँ से चले गए थे, मनोरी ने स्वर में संवेदना लाकर कहा। हाँ बेटे, मेरी बदबख्ती थी कि पहले अकेला निकलकर चला गया, यहाँ रहता तो उनके साथ मैं भी। और कहते कहते उसे एहसास हो आया कि उसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उसने बात मुंह में रोक ली मगर आंख में आए हुए आंसुओं को बह जाने दिया। छोड़िए गनी साहब, अब बीती बातों को सोचने में क्या रखा है, मनोरी ने गनी की बाह पकड़कर कहा। आइए, आपको आपका घर दिखा दूं। गली में खबर इस रूप में फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन उसे पकड़कर घसीट लाई, नहीं तो वे मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर पाते ही जो स्त्रियां गली में पीड़े बिछाकर बैठी थीं, वे अपने अपने पीड़े उठाकर घरों के अंदर चली गई। गली में खेलते हुए बच्चों को भी उन स्त्रियों ने पुकार पुकार कर घर में बुला लिया।
मनोरी जब गनी को लेकर गली में आया तो गली में एक फेरी वाला रह गया था, या कुएं के साथ उगे हुए पीपल के नीचे रखा पहलवान बिखर कर सोया दिखाई दे रहा था। घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से अलबत्ता कई चेहरे झांक रहे थे। गनी को गली में आते देखकर उनमें हल्की हल्की चेमे गोइयां शुरू हो गई। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद लोगों ने चिराग दिन के बाप अब्दुल गनी को पहचान लिया था। वह आपका मकान था, मनोरी ने दूर से एक मलबे की ओर संकेत किया। गनी पल भर के लिए ठिटक कर फटी फटी आंखों से उसकी ओर देखता रह गया। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वह काफी अरसा पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस रूप में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जबान पहले से ज्यादा खुश्क हो गई और घुटने भी और ज्यादा कांपने लगे। वह मलबा, उसने अविश्वास के स्वर में पूछा। मनोरी ने उसके चेहरे का बदला हुआ रंग देखा। उसने उसकी बाह को और सहारा देकर ठहरे हुए स्वर में उत्तर दिया, आपका मकान उन्हीं दिनों जल गया था। गनी छड़ी का सहारा लेता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें जहां जहां टूटी हुई जली हुई ईंटें फंसी थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से ना जाने कब का निकाल लिया गया था। केवल जले हुए दरवाजे की चौखट ना जाने कैसे बची रह गई थी, जो मलबे में से बाहर को निकली हुई थी। पीछे की ओर दो जली हुई अलमारियां और बाकी थी, जिनकी कालिक पर अब सफेदी की हल्की हल्की तह उभर आई थी। मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह रह गया है, यह। और जैसे उसके घुटने जवाब दे गए और वह जली हुई चौखट को पकड़कर बैठ गया। क्षणभर बाद उसका सिर भी चौखट से जा लगा और उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओए चिराग दीन, मेरा बच्चा। जले हुए किवाड़ की चौखट 7.5 साल मलबे में से सिर निकाले खड़ी तो रही थी, मगर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर के छूने से उसके कई रेशे झड़कर बिखर गए। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ गिरे। लकड़ी के रेशों के साथ एक केचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 6-8 इंच दूर नाली के साथ बनी ईंटों की पटरी पर सरसराने लगा। वे अपने लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, मगर दो एक बार सिर पटक कर और निराश होकर दूसरी ओर को मुड़ जाता। खिड़कियों में से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं बढ़ गई थी। उसमें चेमे गोइयां चल रही थी कि आज कुछ ना कुछ जरूर होगा। चिराग दिन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की सारी घटना आज खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वे मलबा ही गनी की सारी कहानी सुना देगा, कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रुके पहलवान ने उसे नीचे बुलाया कि वे 1 मिनट आकर एक जरूरी बात सुन जाए। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था, हिंदुओं पर ही उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ पर कोर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुबैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों में से नीचे झांकने लगी। चिराग ने ड्योड़ी से बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़कर खींच लिया और उसे गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, ना रुके पहलवान, मुझे मत मार। हाय मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, जुबेदा जुबेदा मुझे बचाओ। और ऊपर से जुबेदा चीखती हुई नीचे ड्योड़ी की तरफ भागी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती हुई बाहें पकड़ ली और रखा उसकी जांघों को घुटने से दबाए हुए बोला, चीखता क्यों है बहन के, तुझे पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जुबेदा के नीचे पहुंचने से पहले ही उसने चिराग को पाकिस्तान दे दिया। आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था।
बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाजें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान देकर विदा कर दिया, मगर दूसरे तबील रास्ते से। उनकी लाशें चिराग के घर में ना मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। दो दिन तक चिराग के घर की खाना तलाशी होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो ना जाने किसने उस घर को आग लगा दी। रखे पहलवान ने कसम खाई थी कि वे आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उसने उस मकान पर नजर रखकर ही चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी खरीद रखी थी, मगर आग लगाने वाले का पता ही नहीं चल सका। उसे जिंदा गाड़ने की नौबत तो बाद में आती। अब 7.5 साल से रखा पहलवान उस मलबे को अपनी जागीर समझता आ रहा था, जहां न वे किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न खोचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी अनुमति के कोई ईंट भी नहीं उठा सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गनी के कानों तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर उसे अपने आप ही सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल बोल चिराग दीना, बोल, तू कहाँ चला गया होए? ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओ हाय मेरे बच्चे, गनी को कहाँ छोड़ दिया होए, कहाँ छोड़ दिया। और भुरभुरे किवाड़ से कड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए हुए रखे पहलवान को किसी ने जगा दिया, या वह वैसे ही जाग गया। यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है, उसके गले में थोड़ा झाग उठाया, जिससे उसे खांसी हो आई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की ओर देखकर उसकी छाती से धोकनी का सा स्वर निकला और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैल गया। गनी, गनी अपने मलबे पर बैठा है? उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा। मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग के कारण घरघराई हुई आवाज में कहा। मगर वह वहां पर बैठा है, लच्छे ने आंखों में रहस्यमय संकेत लाकर कहा। बैठा है बैठा रहे, तू चिलम ला। उसकी टांगें थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेरा। मनोरी ने अगर उसे कुछ बताया बताया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखकर कहा। मनोरी की शामत आई है? लच्छे चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर उसके हाथ में दिया तो उसने कश खींचते हुए पूछा। और भी तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले, और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। लच्छे ने देखा कि मनोरी मलबे की तरफ से गनी की बाह पकड़े हुए आ रहा है। वह उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कश खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा क्षण गनी की ओर लगी रहती। मनोरी गनी की बाह पकड़े हुए उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे पहलवान को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते ना पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घर्राहट हुई, पर वह बोला कुछ नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा। मैं गनी हूं, अब्दुल गनी, चिराग दीन का बाप। पहलवान ने संदेहपूर्ण दृष्टि से उसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर चमक आ गई थी। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां जरा फैल गई थी। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला। सुना गनिया,
गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, परंतु पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया ना देखकर उसी तरफ रह गई। वह पीपल के तने का सहारा लेकर कुएं के सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चेमेगोइयां तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी, फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गनी को कुछ नहीं कह सकता, अब वो दिन नहीं रहे बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा ना इसका है ना गनी का, मलबा तो सरकार की मिल्कियत है, किसी को गाय का खूंटा नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है, उसने गनी को बताया क्यों नहीं कि रखे ने ही चिराग और उसकी बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं है, सांड है, सांड दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान क्या से क्या रह गया है, भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहां मिट्टी देखने आया हूं, बसे हुए घर की यही निशानी रह गई है। तू सच पूछ रखे तो मेरा ये मिट्टी भी छोड़कर जाने को जी नहीं करता, और उसकी आंखें छलछला आई। पहलवान ने फैली हुई टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल लिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी और वह कश खींचने लगा, तू बता रखे ये सब हुआ किस तरह। गनी आंसू रोकता हुआ आगरे के साथ बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी, अगर वे चाहता तो वह तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था, उसे इतनी भी समझ नहीं आई, ऐसा ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में कुछ अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाड़ी लार से चिपक से गए थे, उसकी मूछों के नीचे से पसीना उसके होठों पर आ रहा था, उसके माथे पर किसी चीज का दबाव पड़ रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान के क्या हाल है, उसने वैसे ही स्वर में पूछा। उसके गले की नसों में तनाव आ गया था, उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। मैं क्या हाल बताऊं रखे, गनी दोनों हाथों से छड़ी पर जोर देकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल पूछो तो वह खुदा ही जानता है, मेरा चिराग साथ होता तो और बात थी रखे, मैंने उसे समझाया था कि मेरे साथ चला चल, मगर वे अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर कैसे जाऊं, यहां अपनी गली है, कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना सही, बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों जनों ने जान दे दी रखे, उसे तेरा बहुत भरोसा था, कहता था कि रखे के रहते कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब आनी आई तो रखे के रोके भी ना रुक सकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही थी, उसे अपनी कमर और जांघों के तोड़ पर सख्त दबाव महसूस हो रहा था, पेट की अंतड़ियों के पास जैसे कोई चीज उसकी सांस को जकड़ रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके पैरों के तलवों में चुनचुनाहट हो रही थी, बीच बीच में फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और उसकी आंखों के सामने से तैरती हुई निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच का अंतर कुछ ज्यादा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछे से होठों के कोनों को साफ किया और उसके मुंह से निकला, हे प्रभु, हे प्रभु सचिया, तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने लक्षित किया कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के इर्द गिर्द दायरे गहरे हो आए हैं, तो वे उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जी हलका न कर रखिया, जो होनी थी सो हो गई, उसे कोई लौटा थोड़े ही सकता है, खुदा नेक की नेकी रखे और बद की बदी माफ करे, मेरे लिए चिराग नहीं तो तुम लोग तो हो। मुझे आकर इतनी ही तसल्ली हुई कि उस जमाने की कोई तो यादगार है, मैंने तुमको देख लिया तो चिराग को देख लिया, अल्लाह तुम लोगों को सेहतमंद रखे, जीते रहो और खुशियां देखो।
ऑर्गनी छड़ी पर दबाव डालकर उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने फिर कहा, अच्छा रखे पहलवान, याद रखना। रखे के गले से स्वीकृति की मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा बीच में लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी गली के वातावरण को हसरत भरी नजर से देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चैमेगोइयां चलती रही कि मनोरी ने गली के बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा। गनी के सामने रखे का तालू किस तरह खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा, बेचारी कितनी अच्छी थी, कभी किसी से मंदा बोल नहीं बोली। रखे मर्दूद का न घर न घाट, इसे किस माँ बहन का लिहाज था। और थोड़ी ही देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे और दो 12-13 बरस की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरी से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खकारता और चिलम फूकता रहा। कई लोगों ने वहां से गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था। आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर पहलवान रोज की तरह गली के बाहर बाई ओर की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज अक्सर वे रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताया करता था। मगर उस दिन वे लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की यात्रा का विवरण सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को विदा करके वे गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को खड़ी देखकर वह रोज की आदत के मुताबिक उसे धक्के दे देकर हटाने लगा। हट हट हट, और भैंस को हटाकर वे सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय बिल्कुल सुनसान थी। कमेटी की कोई बत्ती ना होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता हुआ बह रहा था। रात की खामोशी के साथ मिली हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से निकल रही थी। एक भटका हुआ कुआ ना जाने कहां से उड़कर कड़ी की चौखट पर आ बैठा। उससे लकड़ी के रेशे इधर उधर छितरा गए। कोई के वहां बैठते ना बैठते मलबे के एक कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर वे पंख फड़फड़ाता हुआ उड़कर कुएं के पीपल पर चला गया। कोई के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की ओर मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दूर 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 रह। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, हट हट दूर 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 रहो। पहलवान ने एक ढेला उठाकर कुत्ते की ओर फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान मुंह ही मुंह में कुत्ते की मां को गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। पहलवान के वहां से हटने पर कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की ओर मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंक कर जब गली में उसे कोई प्राणी चलता फिरता दिखाई नहीं दिया तो वे एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट आया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।